अभी ही ऐसा पटकनिया दे कि फिर 2090 की स्थिति ना आए। अरे हराना है कि नहीं हराना है? ये गरीब का दुश्मन जो आज तक गरीबों का हक छीनने का काम लालू प्रसाद ने किया, 25 वाले अभी 24 में ही पटकनिया दे दो, 370 धारा देश में हटा कि नहीं हटा, भारत एक हुआ कि नहीं एक हुआ, जो घुसपैठिए हैं जिनका वोट जुड़वा दिया गया है, यहाँ फूल छाप नहीं है, यहाँ हेलीकॉप्टर छाप है। और यही चुनाव चिन्ह आज वैशाली में नरेंद्र मोदी का है, कांटी दिशा देने का काम वैशाली को करता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुना है कि आरजेडी से है, तो आरजेडी लालू जी प्रधानमंत्री होंगे सजाए आफ्ता? अरे लालू जी प्रधानमंत्री होंगे, उनके गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री होगा? लालू जी, बिहार ने आपको देखा है 15 साल शासन करते हुए, भले बिहार का नौजवान बेटी कह रही थी कोमल भी नहीं देखी होगी, लालू जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में अपने युवराज के लिए। उनका युवराज कौन है? अरे उनका युवराज कौन है? वो आप लोग भूल जाइए, वो जानते हैं कि मैं जीत करके भी कुछ नहीं करूंगा, अगर बीना जी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे बल्कि 400 के पार जाएगा। तो जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो अपना अपना वोट जो लोग देने के लिए सोच रहे हैं उनसे प्रार्थना है देश के लिए वोट दे, 25 के लिए वोट मत दे। ये 25 का चुनाव नहीं है, ये 24 का चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा या देश में सतभत्री सरकार होगी। अरे भाई हमारे यहां कहावत है, हम कोई नहीं कह रहे हैं कि ये दूसरे तरह की भाषा आप लोग नहीं लेंगे, हम लोगों के यहां कहावत है ये कौन होगा। इसलिए लालू जी ये जानते हैं कि मेरे जीते जिन हम अपने बेटे को युवराज बना के जाए, और वो युवराज इतना बड़ा झूठा है कि कहता है, वो एगो होता है शंख जो बजाते हैं पंडित जी, और एक होता है डपोर शंख, तो ये डपोर शंख है, तो ये 25 का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये लालू जी गरीबों के नेता अब नहीं रहे, ये जादवों के भी नेता नहीं रहे, ये केवल परिवार के नेता बन के रह गए हैं। आपको नहीं लगता है क्या यहां बैठे किसी जादव को, पिछड़े को, गरीब को उप मुख्यमंत्री बनाया क्या? अरे बनाया क्या? जब बनाया ही नहीं, आज तक 34 साल में मुख्यमंत्री अपने, मुख्यमंत्री पत्नी, उप मुख्यमंत्री बेटा, लड़ रही है बेटी, दो दो बेटी, एक मंत्री बेटा, एक राज्यसभा कुटुंब। तो जब परिवार ही उनकी पार्टी है तो नेता भी तो परिवार के होंगे।
गलत कह रहे हैं कि सही? अगर ये गरीब का नेता होते तो मोदी जी को बिहार में प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत पड़ती क्या? शौचालय बनाने की जरूरत पड़ती क्या? गैस सिलेंडर देने की जरूरत पड़ती क्या? इन्होंने लालू जी दिया क्या? अरे हाँ या नहीं बोलिए ना आप लोग। शौचालय दिया लालू जी? शौचालय नहीं दिया, घर नहीं दिया, सिलेंडर नहीं दिया, 5 किलो अनाज भी नहीं दिया, 5 लाख का इलाज भी नहीं दिया। जब कुछ दिया ही नहीं तो ये गरीब के नेता हुए कैसे? और जब गरीब के नेता है नहीं, अब तो ये मुसलमान के नेता हो गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहां मीडिया के मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। तो ये आरक्षण जब मुसलमानों को देंगे तो किसका आरक्षण खाएंगे? हिंदू के गरीब गुरबा पिछड़े का खाएंगे कि नहीं खाएंगे? लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे? तो मैं तो जादव के नौजवान से कहता हूं, भुलावे में मत रहो, न तेरे लिए सीट है मुख्यमंत्री का, न विपक्ष के नेता का। तो ये आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्या आप मुसलमानों से अपना आरक्षण छिनवाएंगे? लालू जी को छीनने देंगे? अरे जोर से हो या नहीं बोलिए ना। ये लालू जी और राहुल गांधी ये दोनों मिलकर के एक प्रयोग कर्नाटक में किया है, पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया ओबीसी बना करके। अगर बिहार में लालू जी का शासन आएगा तो यहां भी वो उन्होंने समर्थन किया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज की तारीख में यादव के नौजवान सुन लो कान खोल करके कि तुम्हारा आरक्षण छीनने वाला है लालू जी, मुसलमानों को देने वाले हैं। क्या बिहार यहां बैठे लोग किशनगंज को जानते हैं? अरे किशनगंज को जानते हैं? जो लोग जानते हैं जरा हाथ उठाना। क्या कांटी को किशनगंज बनाना चाहते हैं? अरे बनाना चाहते हैं? ये लालू जी कांटी को किशनगंज बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मोदी जी गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। ये देश में राहुल गांधी जो इनके नेता है वो कह रहे हैं कि आपके बाप दादे ने जो कमाई की है उसकी आधी संपत्ति छीन करके राजद के लोग ले लेंगे, क्या छीनने दोगे? ये माहौल बन रहा है मेरे भाइयों। अब देश के अंदर नरेंद्र मोदी ये लड़ाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमने नारा दिया है अब की बार 400 पार होगा, जब बीना देवी को हम हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के जिताएंगे तब मोदी जी 400 के पार जाएंगे। 400 के पार पत्रकार पूछते हैं क्यों जाएंगे, क्या करेंगे? संविधान को ऐसा मजबूत करेंगे कोई फिर हिम्मत ना करेगा बाबरी ढांचा ताला लगाने का, कोई मथुरा को भी
बंद नहीं करेगा। 400 के पार जब जाएंगे, अभी तो श्री प्रभु श्री राम का मंदिर बना है कि नहीं बना है? तब बना है तो एक नारा लगता है, जो राम को लाया है। राम लला भी इसी तरह थे, गर्मी धूप बरसात आप 500 साल तक रहे। आज कौन लाया? अरे कौन राम लला का मंदिर बनाया? क्या कहते हैं जेठा? मोदी जी नहीं बनाए, आप बनाए। अगर मोदी जी को 403 सीटें नहीं देते तो राम लला की मंदिर नहीं बनता। आगे बचा हुआ काम अगर पूरा करना है तो आपको जिताना ही होगा, और इतने मतों से जिताना होगा जो इधर उधर गड़बड़ा रहे हैं। उनसे भी आग्रह है कि मेरे भाइयों, लालू जी 25 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्यों 25 में पड़े? 25 में अभी ही ऐसा पटकनिया दें कि फिर 2090 की स्थिति ना आए, 2090 की स्थिति ना आए। ऐसा पटकनिया अभी दें कि 25 में चारों खाने चित हो जाए। लालू प्रसाद हराना है ना? अरे हराना है कि नहीं हराना है? ये गरीब का दुश्मन जो आज तक गरीबों का हक छीनने का काम लालू प्रसाद ने किया, और आज 24 की लड़ाई के बदले 25 की लड़ाई देख रहे हैं, और कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित मत होइएगा, 25 वाले अभी 24 में ही पटकनिया दे दो जो 25 में होश ना आए। मेरे भाइयों, नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो अगर चंद्रयान ले जाते हैं चंद्रमा पे तो माता सबरी की बेटी का पैखाना भी बनाते हैं। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं, विकास अगर करते हैं, संसद भवन बनाते हैं तो देश के अंदर पंचायत भवन भी बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री इस बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, बनना तो तय है, तो गरीबों के छूटे हुए काम पूरा करेंगे। और आने वाले दिन में जो हम नारा लगाते थे 370 धारा हटाने का, 370 धारा देश में हटा कि नहीं हटा? भारत एक हुआ कि नहीं एक हुआ? और क्या चाहते हैं जरा जोर से बोलो तो बता दूंगा। सीए लागू हो गया, और बोलो पीओके। अरे यार पीओके तो जैसे ही गद्दी पर जाएंगे वहां तिरंगा झंडा चल रहा है। पीओके मथुरा काशी भी होगा, 400 के पार करो पीओके तो चुटकी में खत्म हो जाएगा। और काशी और मथुरा 400 के पार होने के बाद, क्योंकि हमने कहा है विकास और विरासत, अगर हमारी पहचान सनातनियों का पहचान अगर है तो काशी मथुरा अयोध्या से है, हम इसे कभी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने इसे शुरू से आजादी के बाद से हिंदुओं को छलने का काम किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो विकास भी होगा और विरासत भी होगा। और मैं चुनाव आयोग से कहता हूं कि आप अभी भी मौका है,
जो घुसपैठिए हैं, जिनका वोट जुड़वा दिया गया है, वैसे लोगों को वोट देने से आप कोई तकनीक अपनाएं। मैं तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में नारा दिया था कि मेरे वोट मांगने वाले तुम तैयार हो जाओ और वोट घर घर मांगो। और यहां भी मैं कहूंगा, बीना जी के लिए कौन कौन वोट मांगेगा, जरा हाथ उठा। एक काम करना, घर घर जाना, लेकिन किसी देशद्रोही से वोट मत मांगना, किसी पाकिस्त से भी वोट मत मांगना। नहीं मांगोगे ना? जब भी वोट मांगना तो देशभक्तों से मांगना, गरीबों से मांगना, क्योंकि आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गरीबों के मसीहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद अगर कोई पूजा जाएगा तो नरेंद्र मोदी पूजे जाएंगे गरीबों के बीच में। जिसने राम को लाया है, जिसने राम को लाया है, यहाँ फूल छाप नहीं है, यहाँ हेलीकॉप्टर छाप है। आज सम्राट जी ने कहा कि राज्य किस चीज से चलिएगा, हम कहे चलिए ना, कांटी जाना है तो कार से ही चले, गाड़ी से कहीं ना। बीना जी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से ही चले। बीना जी का चुनाव चिन्ह क्या है, क्या है चुनाव चिन्ह? और यही चुनाव चिन्ह आज वैशाली में नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का वैशाली में चुनाव चिन्ह क्या है? हेलीकॉप्टर पर जिताएंगे तो काशी मथुरा भी बनेगा और पीओके भी। पीओके जानते हो ना? पीओके में तिरंगा उछलने लगा है। नरेंद्र मोदी जिस दिन ओथ लेंगे उस दिन देखना बहुत आदमी उधर से तरप के इधर आ जाएगा। तो आज मैं अंतिम बात कह रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरे कांटी के लोगों, कांटी दिशा देने का काम वैशाली को करता है, ऐसे वैशाली का ही अंग है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है और इस वैशाली लोकतंत्र की जननी में, जननी के ऊपर हम सब प्रार्थना करते हैं। हे वैशाली के लोगों, हे कांटी के लोगों, भ्रम में नहीं रहना। लालू जी जैसे गरीबों के दुश्मन, मुसलमानों के हितकर को ऐसी पटकनियां दो फिर होश ना आए।